आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे आश्रम में हर वर्ष मई महीने के पहले सप्ताह में हिंदी में और जून महीने के पहले सप्ताह में अंग्रेजी में आंतरिक चंगाई की साधनाएं चलती हैं। आंतरिक चंगाई की साधनाएं क्या मतलब इसका? हम सभी जानते हैं कि शारीरिक रूप से हम में से कई लोग रोगी हैं, विभिन्न प्रकार का रोग हमारे अंदर है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हम पीड़ित हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं, आंतरिक रोगों से पीड़ित हैं, और इन आंतरिक रोगों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। इसलिए हमें आंतरिक चंगाई की जरूरत है। हम में से कई लोग गुस्से से पीड़ित हैं, क्रोध से पीड़ित हैं, दुश्मनी और विद्वेष से पीड़ित हैं, अक्षमा से पीड़ित हैं। कई लोगों के अंदर अकेलापन है, दोष भावना है, हीन भावना है, कई लोगों के अंदर जिद है, कई लोगों के अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, कई लोगों के अंदर अति वासना है। इस प्रकार कई अंदरूनी रोगों से हम सभी लोग पीड़ित हैं, और इन अंदरूनी रोगों से छुटकारे को हम आंतरिक चंगाई कहते हैं। आज के इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन करेंगे, इन अंदरूनी रोगों का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। मैं जानता हूं कि ये 25 मिनट इस कार्य के लिए काफी नहीं है, लेकिन मेरा विचार है इसके द्वारा हम एक प्रक्रिया शुरू करेंगे, संभवतः आगे भी हम इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, इन अंदरूनी रोगों का कारण क्या है, इन आंतरिक रोगों का कारण क्या है। मेरे अनुसार तीन कारण है। पहला कारण है प्रेम का अभाव, दूसरा है दिल पर चोटें, और तीसरा है भय। पहला है प्रेम का अभाव। हर मनुष्य को जीने के लिए, विकसित होने के लिए, मनुष्य की तरह विकसित होने के लिए रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा ही काफी नहीं है। हम सबको वास्तव में एक अच्छे मनुष्य की तरह बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रेम। और ये जानिएगा, हमारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर है कि हमें किस मात्रा में प्रेम प्राप्त हुआ है। विशेष करके हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और अन्य लोग जिनसे हमें प्रेम की उम्मीद थी, अगर आवश्यक मात्रा में हमें प्रेम नहीं मिला, इसको हम कहते हैं प्रेम का अभाव। और इस प्रेम के अभाव का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ा है। हो सकता है कि बच्चे का बाप शराबी था और बच्चे को आवश्यक मात्रा में प्यार नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे का बाप लफंगा था, घूमता फिरता था, बच्चों का ख्याल नहीं करता था, और जिस मात्रा में बच्चे को प्रेम प्राप्त होना चाहिए था उसे नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे का बाप गुस्सेला व्यक्ति था, क्रोधी था, और बच्चे को हमेशा बाप के चेहरे पर क्रोध दिखाई देता था, उसे आवश्यक मात्रा में प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। हो सकता है कि बच्चे का बाप अकेलापन महसूस करता था, उदास व्यक्ति था, और इसलिए बच्चे को प्यार नहीं दे पाया। हो सकता है कि बच्चे का बाप वासना से त्रस्त था और इसीलिए अपनी वासना की पूर्ति के बारे में ही सोचता था, बच्चों को प्रेम से देख नहीं पाता था। इसी प्रकार मां के अंदर भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी, जिसके चलते बच्चे को आवश्यक मात्रा में प्रेम नहीं मिला, तो बच्चा प्रेम के लिए ललायत रहेगा, पूरी तरह से प्यासा रहेगा। और जब मनुष्य को आवश्यक मात्रा में प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है, उस मनुष्य के हृदय में प्रेम की जगह घृणा भर जाता है, और वो घृणा विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावुकताओं के द्वारा प्रकट हो जाता है। किसी के अंदर वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो जिद के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो उदासी के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो हीन भावना के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों के द्वारा प्रकट होता है। और आज बहुत सारे लोग इस प्रकार के अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं।
प्रेम के अभाव के चलते। दूसरा कारण है दिल पर चोटें। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमें लोगों से प्रेम प्राप्त हुआ जरूर है, हालांकि आवश्यक मात्रा में नहीं प्राप्त हुआ होगा। इसके बावजूद हमें कुछ मात्रा में प्रेम प्राप्त हुआ है, उसके साथ ही साथ हमें कई प्रकार की चोटें भी प्राप्त हुई हैं। एक बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल के अंतराल तक उसे बहुत ज्यादा प्रेम और दुलार की जरूरत होती है। अगर उस समय उसको आवश्यक मात्रा में दुलार और प्यार प्राप्त नहीं हुआ, प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, तो उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना होगी, उस बच्चे के अंदर आत्मबल की कमी होगी, उस बच्चे के अंदर भरोसे की कमी होगी, दूसरों पर वो भरोसा रख नहीं पाएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही हीन भावना होगी और अपने अंदर छोटपन महसूस करेगा। मान लीजिए बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चा बड़ा होते समय कोई व्यक्ति उस बच्चे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, उस बच्चे के दिल पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है। मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आवश्यक मात्रा में सामग्रियां नहीं हैं और लोग हंसी उड़ाएं, तो उस बच्चे के दिल पर चोट लग जाती है। बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ते समय या कोई भी कार्य करते समय गलती करता है और उस बच्चे को शर्मिंदा किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा ही लज्जित किया जाता है, उसको इस तरह डांटा जाता है कि उसके दिल पर चोट लग जाती है, तो वो चोट जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बड़े होने पर भी अपने अंदर आत्मबल मनोबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन में उनको बहुत ज्यादा चोटें मिली हैं। तो हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमें कई लोगों से कई प्रकार की चोटें मिली हैं। और ये भी जान लीजिएगा, जिस तरह एक छोटे से पौधे पे हम अपने नाखून से आराम से चोट या लकीर खींच सकते हैं, लेकिन बड़े पेड़ पर यह नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी तरह जितने हम नाजुक थे, छोटे थे, उतना ज्यादा लोगों की चोटें हमारे ऊपर गहराई पर असर कर गई है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, इन चोटों को लेकर ही जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ते हैं, तो ये चोटें हमारे लिए बाधा बन जाती है, व्यवहार में बाधा बन जाती है, एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार में बाधा बन जाती है, सामाजिक जीवन में बाधा बन जाती है। तो बचपन में प्राप्त ये चोटें हमारे लिए जिंदगी भर के लिए दुख का कारण बनती है। तीसरा कारण है भय यानी डर। हमारे बचपन से लेकर हमें कई प्रकार की चीजों पर डर प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए अंधकार से डर, भूत प्रेत से डर, जानवरों से डर, कीड़े मकौड़े से डर, बंद कमरों से डर, ऊंचाई से डर, गहराई से डर, गहरे पानी से डर, आग से डर, भीड़ से डर, पुरुषों से डर, नारियों से डर, इस प्रकार के कई डर हमारे अंदर हैं, और जिसके चलते हमारा व्यक्तित्व सिकुड़ जाता है, हमारा व्यक्तित्व खिलता नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर मेरे अंदर इस प्रकार की आंतरिक बीमारियां हैं तो मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं जो निवारण के रूप में आपके लिए और हम सबके लिए आवश्यक है। पहली बात, अपने शोक को व्यक्त करना, अंग्रेजी में मैं कहूंगा ग्रीव सफिशियंटली, यानी अपने हृदय में छिपे हुए उस शोक को व्यक्त करना। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें कई लोगों से कई चोटें मिली हैं, और जब भी हमें चोटें मिली हैं उन सारे क्षणों में हम रोए हैं, लेकिन जब हम रो रहे थे कोई ना कोई हमारे रुदन को रोका है, चिल्लाकर बोले होंगे चुप शट अप, और हमने क्या किया, हमने सारे आंसुओं को अपने हृदय में अपने पेट में संजोया। बचपन से लेकर आज तक हमने कितने आंसुओं को रोक रखा है। वे सारे आंसू उस समय बहने लगते हैं जब कोई कुछ कह देता है, इसलिए सबसे पहली बात यह है अपने हृदय में संजोए गए उन सारे आंसुओं को बाहर लाना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पेत्रुस ने प्रभु का स्वीकार किया, तिरस्कार किया लोगों के सामने, लेकिन उसके बाद प्रभु ने पेत्रुस को देखा और पेत्रुस ने प्रभु को देखा। हम देखते हैं कि पेत्रुस की आंखों से लगातार आंसू बहते गए, पेत्रुस की आंखों से लगातार आंसू बहते गए, पेत्रुस ने आंसू बहाया और पेत्रुस के आंसू बहाने से
उनके दिल में जो दुख था वो मिट गया, जो दोष भावना थी वो मिट गई। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 36-37 से कि एक पापिनी नारी प्रभु येसु के चरणों पर बैठती है और इतने आंसू बहाती है कि वो येसु के चरणों को धो डालती है। क्या हो रहा था? जब वो आंसू बहा रही थी उसके हृदय का मैल पूरी तरह से बाहर आ रहा था और वो पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त होकर अपने घर चली गई। तो पहला कार्य जो हमें करना है, चुपचाप कहीं बैठेंगे, प्रभु की सानिध्य में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और जिन लोगों से हमें दुख मिला है उन लोगों से अपने हृदय में बात करेंगे और अपने हृदय में छिपे उस आंसुओं को बाहर लाएंगे, आंसुओं को बहाएंगे। जैसे जैसे आप आंसुओं को बहाएंगे, बाहर लाएंगे, आपको काफी राहत महसूस होगी। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो यह है, अपने बीते जीवन की उन दुखमय घटनाओं को नए सिरे से देखना, एक नए सिरे से विश्वास के दृष्टिकोण से देखना। मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हमें दुख से होकर गुजरना पड़ता है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आता है। हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं लेकिन उन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये आपकी बात नहीं है, हर मनुष्य की बात है। लेकिन जब हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है तो हम इस बात पर विश्वास करने लगते हैं, आज मुझे दुख से गुजरना पड़ता है लेकिन समय आएगा तो इसका अर्थ जरूर मुझे पता चलेगा। अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कलाकार एक चित्र खींच रहा है और चित्र बनाते समय पहले पहले वो इधर उधर दाग धब्बे गोल लाइन लकीरें डालता है। जो चित्र के बारे में कुछ नहीं जानता है वो कहेगा कि आप क्यों इस कागज को या इस कैनवास को गंदा कर रहे हैं। लेकिन कलाकार कहेगा पूरे चित्र को बनने दीजिए, तब आपको पता चलेगा उन धब्बों उन लकीरों उन गोलों का क्या अर्थ है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन एक अधूरा चित्र है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा होने वाला है और वो चित्रकार चित्र खींच रहा है। आज हमें इन धब्बों का अर्थ नहीं मालूम है, इन लकीरों का अर्थ नहीं मालूम है, इन दुखों का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन समय आने पर हमें इसका अर्थ जरूर पता चलेगा। तो हमें अपने बीते जीवन की उन घटनाओं को नए सिरे से देखना होगा। बाइबल में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, उदाहरण है याकूब के पुत्र यूसुफ का उदाहरण पुराने विधान में। याकूब के 12 पुत्रों में यूसुफ को उनके भाइयों ने जब वो 17 साल की उम्र का था व्यापारियों के हाथ में बेच डाला। जरा सोचिए 17 साल के उस बच्चे के दिल में, उस युवक के दिल में कितनी पीड़ा रही होगी जब उसके भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथ में बेच डाला था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसने अपने को कोसा होगा, भाइयों को कोसा होगा, ईश्वर को कोसा होगा, मां को कोसा होगा, उस समय को कोसा होगा। लेकिन उसी ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वही यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। ईश्वर की विशेष प्रेरणा से यूसुफ अपने देश में इतना अनाज इकट्ठा करता है कि जब सारे संसार में अकाल पड़ा था लोग अनाज लेने के लिए मिस्र देश आते हैं। वचन में बताता है कि यूसुफ के भाई भी अनाज लेने के लिए मिस्र देश आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। पहले पहले यूसुफ अपने भाइयों को ठगने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को छिपाता है, लेकिन बाद में ये बताता है कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने व्यापारियों के हाथ में बेच डाला था। जब भाइयों ने इस बात को सुना भाइयों के अंदर बहुत ज्यादा डर छा गया, वे घबरा गए, वे रोने लगे, अपने को धिकारने लगे। और उस समय यूसुफ कहता है कि आप लोग अपने को ना कोसें, अपने को ना धिकारें, क्योंकि ईश्वर ने आपके प्राण बचाने के लिए मुझे आपसे पहले यहां पर भेजा। ख्याल कीजिएगा, यूसुफ अपने जीवन में बीती उस घटना को शाप नहीं मानता है बल्कि ईश्वर का अनुग्रह मानता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में घटित कई दुखमय घटनाओं को हम आज भी श्राप और दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं और जितना हम उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे उतना वे घटनाएं हमें दुख देती रहेंगी। लेकिन जिस समय विश्वास में
ये समझने लगेंगे उन घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ है और उन दुखमय घटनाओं से भी ईश्वर हमारी भलाई उत्पन्न कर सकता है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है, तो उस समय वे घटनाएं हमारे लिए सुखमय हो जाएंगी। जब मैं अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं और अपने जीवन के दुखों को याद करता हूं तो मैं उन सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन सारे दुखों के कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है और हमारे दुख व्यर्थ नहीं है, हमारे दुखों में महिमा छिपी हुई है। तो दूसरी बात जो हमें करनी है, दूसरा कार्य जो हमें करना है वो यह है कि हमारे बीते जीवन की उन सारी घटनाओं को जिनको हम दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं विश्वास में सौभाग्यपूर्ण समझने लगे। मैं आपसे कहता हूं आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तीसरा कार्य जो हमें करना है वो है उन सबको क्षमा करना, बिना शर्त के क्षमा करना जिन्होंने हमें दुख दिया है। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमें चंगाई प्राप्त नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो वो एक बंधन बनकर आपके अंदर रह जाता है, और जितना जितना आप लोगों को क्षमा करते जाते हैं उतना उतना आप स्वतंत्र होते जाते हैं। अक्षमा बंधन है, क्षमा ना करना बंधन है, क्षमा करना छुटकारा है, स्वतंत्रता है, और इसीलिए आपको बिना शर्त के लोगों को क्षमा करना होगा। हम प्रभु येसु की ओर देखें, प्रभु येसु के ऊपर अन्यायपूर्वक इतने सारे जुल्म, इतने सारे अत्याचार हुआ, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को क्षमा किया। क्रूस पर लटके हुए प्रभु ने तड़पते हुए, जब उनकी जुबान से आवाज तक नहीं निकलती थी, ये प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब आप उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया है सारे हृदय से क्षमा करेंगे, ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपके हृदय की ओर बहेगा और आपके हृदयों को चंगा कर देगा। और इसलिए जितना जितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं उतना वास्तव में हम अपने आप के लिए चंगाई प्राप्त करते हैं। चौथा कार्य जो हमें करना है वो कार्य यह है अपने जीवन के सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। आप जानते हैं स्तुति और आराधना में, धन्यवाद में बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, प्रभु येसु के शिष्य पौलुस और सीलास बंदी गृह में डाले गए थे, उनके हाथ और पैरों में जंजीरें थी, लेकिन उस समय वे आधी रात में भी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे और सारे बंदी गृह के सभी लोग उनकी आवाज को सुन पा रहे थे। ऊंची आवाज में वे ईश्वर की स्तुति कर रहे थे उनके दुखों के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए, बंदी गृह में डाले जाने के लिए, अत्याचार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। वचन हमें बताता है एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? भूकंप हुआ और बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए और जितने बंदी थे उन सब के बेड़ियां ढीली हो गई, जंजीरें ढीली हो गई, वे स्वतंत्र हो गए। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखेंगे, प्रभु की स्तुति करना सीखेंगे, उस समय हम चमत्कार पूर्ण ढंग से स्वतंत्र होते जाएंगे। मैं अपने जीवन में जब लोग दुख देते हैं उन सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब लोगों से मुझे दुख ग्रहण करना पड़ता है तो मैं अपने कमरे में जाकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु से कहता हूं उनके द्वारा दिए गए दुखों के लिए धन्यवाद, और मेरे जीवन में प्रभु के आत्मा का अभिषेक होता है। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं हम उसका तिरस्कार करते हैं, लेकिन जब हम उसको स्वीकार करते हुए उन दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे, मेरे प्रियो मैं आपसे कहता हूं कि हम चंगे होते जाएंगे। ये चार कार्य हमें करना होगा। जब ये चार कार्य हम करेंगे, ना केवल आज लेकिन अपने जीवन में बार बार, तब हमारे अंदर स्वतंत्रता का अनुभव होगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं इस कैमरे के सामने खड़ा हूं, लेकिन एक ऐसा समय था मैं कैमरे के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन जब मैंने अपने जीवन के दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, मेरे अंदर स्वतंत्रता अपने आप आई, मैं आजाद हो गया हूं, प्रभु की स्तुति आराम से कर सकता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे, आराम से बैठेंगे, और आज मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहले आप निर्णय लें कि मैं चंगा होना चाहता हूं।
और ये विश्वास करें कि अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। ये निर्णय ले कि प्रभु के नाम पर उन सबको क्षमा करूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया है, मुझे पीड़ाएं दी हैं, मेरे जीवन के मार्ग पर अड़चने खड़ा किए हैं। एक पल के लिए उन सबको क्षमा कीजिए, दिल खोल कर उनको क्षमा कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरे पवित्र नाम पर मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे दिल पर दुख पहुंचाया है, मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख मुझे दिया है, उन सबको क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये चंगाई का समय है। मैं आपके लिए समय गीत गाना चाहता हूं, आप मेरे पीछे गुनगुनाएंगे सारे हृदय से विश्वास के साथ। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हे प्रभु यीशु, इस समय मेरे इन भाई बहनों को स्पर्श कीजिए, तेरे पवित्र प्रेम के द्वारा उनके हृदयों के चोटों को इस समय मिटा दीजिए। उनके बचपन से लेकर आज तक उन्हें जितनी चोटें मिली हैं, उन सारी चोटों को तेरे पवित्र रक्त के द्वारा मिटा दीजिए। तेरा हृदय छेदा गया, बेध दिया गया, प्रभु यीशु तेरे बेध दिए गए उस हृदय से जो पवित्र रक्त बहता है, उस रक्त के द्वारा मेरे भाई बहनों के हृदयों के समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, चंगा कीजिए। उनके हृदयों के समय तेरे अनंत और असीम प्रेम से भर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं तो अपने पवित्र हाथ से उन्हें स्पर्श कर रहा है। उनकी पुरानी यादों को इस समय जो कड़वी हैं, जो दुखमय हैं, आनंदमय बना रहा है। उनके विश्वास को बढ़ाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, आंतरिक रोगों से चंगा कीजिए, विभिन्न प्रकार के डर से, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावुकताओं से, भावनाओं से छुटकारा दीजिए। आइए प्रभु यीशु, अपने पवित्र प्रेम से उन्हें समय भर दीजिए। धन्यवाद यीशु, हे चंगाई दाता, तूने कहा है निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हे वैद्यों के वैद्य प्रभु यीशु, स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।